अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस वक्त हम इंडस यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद हैं। यूनिवर्सिटी के अंदर जब स्टूडेंट्स आते हैं तो बहुत ज़्यादा उनको इंडस्ट्री का मालूम नहीं हो पाता कि यार इंडस्ट्री के अंदर किस तरीके से काम होता है। तो यूनिवर्सिटीज़ उनकी सहूलत के लिए कुछ प्रोटोटाइप बनाती हैं ताकि उनको पता चले कि इंडस्ट्री के अंदर काम कैसे होता है। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ने एक प्रोटोटाइप बनाया है, इनसे बात करते हैं और इनका तारुफ लेते हैं और इनसे पूछते हैं कि ये क्या प्रोजेक्ट है इनका। मेरा नाम अहमद खान है और डिपार्टमेंट कौन सा है? बी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, पावर मेजर हमारा पावर है। आपका क्या नाम है? जीशान अली मेरा नाम है। आजम खान। अब्दुल्ला खेड़ो। जी, ये क्या प्रोजेक्ट है आपका? ये हम लोगों ने स्टूडेंट को ट्रेन करने के लिए इकोनॉमिक ऑप्टिमल पावर फ्लो ट्रेनर हमने डिज़ाइन किया है। इसमें हम लोग शो करते हैं किस तरह हम लोग इकोनॉमिक डिस्पैच करके, एनर्जी मैनेजमेंट करके हम चीप जनरेटर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं और ट्रांसमिशन लाइन को ओवरलोड होने से रोक सकते हैं। इसमें आपने अभी कितने जनरेटर्स का ऑप्शन रखा है? ये IEEE 9 बस सिस्टम के पैरामीटर्स है। इसमें 3 जनरेटर्स होते हैं, 3 लोड होते हैं और 3 ट्रांसफार्मर्स होते हैं, 9 बसेस होती हैं। तो इसमें आपने क्या रिजल्ट निकाला कि कितने जो है ना वो जनरेटर पे क्या लोड होना चाहिए? इसमें हम लोग पावर सिमुलेटर पे इसकी सिमुलेशन करते हैं। इसमें डिफरेंट लोड पे डिफरेंट आता है। कुछ में होता है कि हमारे कॉस्ट में ज्यादा डिफरेंस आ जाता है, कुछ में होता है वो डिपेंड करता है सारा लोड पे। अब बाज़ ऐसा होता है हमारे 1 मेगावाट तक लॉसेस हम लोग बचा लेते हैं डिस्पैच करने, बाज़ दफ़ा होता है इससे कम होता है, बाज़ दफ़ा कुछ ज़्यादा हो जाता है, वो लोड पे सारा डिपेंड करता है। ये प्रोजेक्ट आपको ख्याल किससे कैसे आया कि यार ये होना चाहिए यूनिवर्सिटी के अंदर, और दूसरे इसकी कॉस्टिंग क्या रही है? ये हमारे सर ने हमें गाइड किया था इस प्रोजेक्ट के लिए, हमारे सर डॉक्टर दानिश है, उन्होंने हम लोगों को गाइड किया था और इसकी कॉस्ट तकरीबन 40,000 तक हमारी पड़ी है। तो इसको दीगर यूनिवर्सिटीज़ भी परचेज करने के मूड में? अब इसका तो मुझे आइडिया नहीं है कोई, क्योंकि अभी हम लोगों ने इसको डिस्प्ले किया है तो आगे फ्यूचर का हम कुछ कह नहीं सकते। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया।